केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ दौराला के मवी मीरा गांव में बाइक सवार युवक ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर युवक ने 3 गोलियां चलाई थी, जिनमें से 2 महिला को जा लगी। लहूलुहान महिला को SDM ग्लोबल हॉस्पिटल मोदीपुरम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारी गई महिला का नाम 28 वर्षीय सोनी है। उसकी 20 दिन पूर्व ही दूसरी शादी हुई थी। दरअसल 10 साल पहले खतौली के हाजीपुर गांव निवासी सत्येंद्र से उसका विवाह हुआ था। सत्येंद्र महिला की बड़ी बहन का देवर है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद हो गया था, जिसके चलते वे मेरठ मायके आ गई थी। 28 नवंबर को सोनी की दूसरी शादी रविंद्र निवासी चांद समद थाना खतौली से हुई थी। 14 दिसंबर को सोनी पग फेरे के लिए मायके आई हुई थी। मंगलवार की सुबह गांव के मंदिर के पास ही बाइक सवार युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। इस हत्या के पीछे अफेयर होने की भी चर्चा है। क्षेत्र में एक महिला है जिनकी 8 वर्ष पूर्व शादी ये सत्येंद्र नाम के व्यक्ति से थाना जानसठ मुजफ्फरनगर में हुई थी, जिससे इनका तालाब हो गया था। और उसके पश्चात ये दूसरे एक नाजिम नाम के लड़के के साथ रह रही थी। वहाँ से आने के बाद फिर इन्होंने अभी 28/11/2023 को इन्होंने एक रविंद्र व्यक्ति जो यहाँ का रहने वाले हैं खतौली मुजफ्फरनगर के, उनके साथ ये रहने लगी थी। इनकी आज इनके गोली लगी थी और इनके उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। इनके परिजनों का आरोप है कि जो इनका पूर्व पति सत्येंद्र है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, अभी तक ये महिला कितनी शादी कर चुकी थी? अभी इनका ये एक शादी पहले जानसठ में हुई थी और दूसरी ये नाजिम नाम के एक व्यक्ति है उसके साथ रहने लगी थी। और अभी 28/11 को जैसा मैंने बताया ये शादी इन्होंने खतौली में की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।